हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एमएस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम सॉलिड ज्योमेट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। कितने यूनिट हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। सिलेबस यूनिट फर्स्ट, कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जो अभी हमने कल स्टार्ट किया है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ओके। सेकेंड चैप्टर इसमें आता है ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक, कॉनिक्स, एंड थर्ड इज ए सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, सिस्टम ऑफ कॉनिक्स। एक फर्स्ट यूनिट में आपके पास पांच चैप्टर होंगे, ठीक है। फोर्थ है कॉन्फोकल कॉनिक, कॉन्फोकल कॉनिक, एंड फिफ्थ चैप्टर इज पोलर इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक। ये पांचों चैप्टर एक यूनिट बनाते हैं, ठीक है। फाइव चैप्टर यूनिट फर्स्ट। यहां से दो क्वेश्चन आएंगे आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन ए एंड बी पार्ट, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के ए एंड बी पार्ट। यहां पे आपको दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो या तो आप स्टार्टिंग के थ्री चैप्टर करिए, ठीक है। अगर फाइव क्वेश्चन चैप्टर्स की एक यूनिट है आपके पास, तो अगर हम स्टार्टिंग के थ्री चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इन दोनों में से आपको एक करना होता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप समझ ही गए होंगे कि एग्ज़ाम किस तरह से आता है। और जो आपके पास लास्ट के तीन चैप्टर हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के थ्री चैप्टर करेंगे, यहाँ पे मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन जो बच्चे पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हैं कि इतना करें कि हमारा एग्जाम अटेम्प्ट हो जाए, तो वो क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि करना तो दोनों में से आपको एक ही है, ओके। या तो आप सेकेंड वाला क्वेश्चन कीजिए या फर्स्ट कीजिए। तो यहाँ से स्टार्टिंग के अगर तीन चैप्टर कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन, अगर किसी को सेकेंड क्वेश्चन तैयार करना है, लास्ट के थ्री चैप्टर कर सकता है या लास्ट के इन चैप्टर्स में से आपका सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट सेकंड सिक्स चैप्टर स्फीयर, सेवेंथ कॉन, एट्थ इज सिलेंडर, ठीक है। इन ये आपके पास आएंगे सेकेंड यूनिट में तीनों चैप्टर्स। तो यहाँ से आपको दो चैप्टर ज़रूर से ज़रूर तैयार करने पड़ेंगे, स्फीयर एंड कॉन, ओके। जो बच्चा ऐसा है कि थोड़ा सा पढ़ने में वीक है, मतलब जो तीनों चैप्टर दो चैप्टर अच्छे से नहीं कर सकता, वो अगर स्फीयर भी अच्छे से कर लेता है तो क्वेश्चन यहाँ से शायद कई बार क्या होता है कि स्फीयर में से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। बिकॉज स्फीयर जो है वो लेंथी चैप्टर है, तीनों में से सबसे लेंथी स्फीयर है। तो कई बार होता है कि सिक्स्थ में से एक क्वेश्चन बना दिया जाए। यहाँ पे आपके पास थर्ड का ए पार्ट एंड बी पार्ट और फोर्थ ए एंड बी, यहाँ पे आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है। या तो आप थर्ड कीजिए या फोर्थ कीजिए, ये सेकंड यूनिट आती है यहाँ से। एंड फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन बना सकते हैं स्फीयर एंड कॉन में से। फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर तीन चैप्टर की यूनिट है तो आप दो चैप्टर तो जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जो आपको करवाऊँगी वो सभी चैप्टर करवाऊँगी। जो बच्चे कंप्लीट करना चाहते हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। एंड यूनिट थर्ड देखिए, चैप्टर नाइन्थ यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में कौन कौन से आएंगे? द कॉनिकॉइड एंड टेंथ चैप्टर आपके पास प्लेन सेक्शंस ऑफ कॉनिकॉइड्स, प्लेन सेक्शंस ऑफ कॉनिकॉइड, ठीक है। एंड इन दोनों के आपके पास एक यूनिट बन रही है, नाइन्थ एंड टेंथ। यहाँ से क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ हो गया, यहाँ से आपके पास आएगा क्वेश्चन फिफ्थ ए और बी पार्ट, एंड क्वेश्चन सिक्स्थ
ए और बी पार्ट, यहाँ पे आपको आई मिलेगा और, मीन्स दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। और फिफ्थ क्वेश्चन कॉनिकोइड में से बना दिया जाता है, और टेंथ जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो टेंथ में से ले लिया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द यही होता है कि एक चैप्टर में से एक पूरा क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एक यूनिट में दो ही चैप्टर हैं, तो यहाँ पे आप नाइन्थ चैप्टर तैयार कर सकते हैं, ओके। और सिक्स चैप्टर जो वो टेंथ में से आएगा। यूनिट फोर्थ में देखिए, यूनिट फोर्थ में दे रखा है आपके पास जनरेटिंग लाइन्स, चैप्टर इलेवेंथ, जनरेटिंग लाइन्स। एंड चैप्टर ट्वेल्थ इज, इसमें तीन चैप्टर है, कॉन्फोकल कॉनिकॉइड्स, ठीक है। और 13 है रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री क्वेश्चन, 13th रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। तो ये है आपके पास यूनिट फोर्थ, क्वेश्चन सिक्स तक हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन सेवन्थ ए एंड बी पार्ट, एंड क्वेश्चन एट्थ ए एंड बी पार्ट। क्वेश्चन यहाँ पे तीन चैप्टर हैं यूनिट फोर्थ में, तो आप दो चैप्टर तैयार कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा अटैम्प्ट, सेवन्थ और एट्थ में से आपको एक करना होता है, ओके। और ट्वेल्थ और थर्टीन करते हैं तो आपका आठवां क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, यानी दोनों में से आपको एक करना है, तो आप ट्वेल्थ या थर्टीन करिए, इलेवंथ या ट्वेल्थ करिए, जो आपको ईजी लगे आप वही कर सकते हो। तो इस तरह से पेपर पैटर्न आता है। और जो लास्ट क्वेश्चन जो आता है कंप्लीट कंपल्सरी जो क्वेश्चन होता है पूरे सिलेबस में से, कंप्लीट सिलेबस में से शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी ले लिए जाएंगे, पूरे फर्स्ट से लेकर थर्टीनथ चैप्टर तक कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये सिलेबस है सॉलिड ज्योमेट्री और सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है। सेमेस्टर कौन सा चल रहा है यहाँ पे, फर्स्ट। और किस तरह पेपर पैटर्न आएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया यहाँ पे, और हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। कोशिश करूँगी कि एक ही लेक्चर में जो हम एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा सकूँ, ओके। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेबस कवर करवाऊँगी मैं आप लोगों का। और एग्ज़ाम शायद आपके मार्च में ही बता रहे हैं, अभी सुनने में आया है कि जनवरी में नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम मार्च में ही होंगे, तो आराम से सिलेबस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं कि सिलेबस होगा नहीं होगा, कोशिश मेरी यही है कि मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। तो अब इसको देख लेना, जो बच्चा जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है उसी चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। और जिस बुक में से मैं सिलेबस करवा रही हूँ उस बुक की फ्रंट जो पिक है वो मैं थंबनेल पे लगा दूंगी, वहाँ से आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मैं किस बुक में से ये सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप इसको शुरू कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।